भगवान महावीर स्वामी की घोर साधना 12.5 साल तक चली। तरह तरह के उपसर्ग उन पर आए, पर सबसे भयानक उपसर्ग संगम देव का माना जाता है। हम सबको पता है कि एक ही रात में संगम देव ने 20-20 उपसर्ग दिए थे। वो एक एक उपसर्ग इतने भयानक थे कि हमारे जैसों पर यदि आए तो हम ऑन द स्पॉट मर जाएंगे। आखिर यह सब उपसर्ग कब हुए? भगवान अपना चातुर्मास पूर्ण करके अलग अलग गांव से विहार करते हुए एक गांव में पहुंचे। उस गांव में उन्होंने तय किया कि मैं एक साधना करूंगा। उस साधना के तहत एक ही चीज पर पूरी दृष्टि लगाए रखनी थी। भगवान की साधना देखकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवलोक के अंदर से साधना की प्रशंसा की। इस साधना की प्रशंसा को सुनकर कभी भी मुक्ति नहीं पाने वाले संगम देव को इंद्र की बात झूठी लगी। उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ नीचे उनको चलित करने के लिए। हम देवों के सामने एक आदमी की क्या कीमत है? और उसने नीचे जाकर भयंकर उपसर्ग शुरू किए। 20-20 उपसर्ग होने के बावजूद भी भगवान चलित नहीं हुए। संगम सोचने लगा कि ये भगवान किस मिट्टी से बने हैं। अगर अभी मैं इनको चलित करके ऊपर जाऊंगा तो ही मैं इंद्र को चेहरा दिखा पाऊंगा, वरना मैं किस मुंह से जाऊंगा। और संगम देव ने भगवान को और 6 महीने तक भयंकर उपसर्ग दिए। यह 20 उपसर्ग तो हम जानते हैं, पर ग्रंथों में दिए गए इन 6 महीनों के प्रसंग शायद बहुत कम लोगों ने सुने होंगे या जाने होंगे। भगवान विहार करते मुसली नामक गांव में पहुंचे। वहां पर प्रभु महावीर गांव के बाहर ही साधना में खड़े रहे। उसका एक कारण यह भी था कि भगवान जब भी गोचरी जाते तब संगम देव ने इतने अश्लील उपद्रव किए थे जिसके कारण जिन शासन की निंदा हो रही थी, और इसी कारण से भगवान ने तय किया कि मैं बाहर ही साधना करूंगा। संगम ने सोचा कि भगवान तो अंदर आएंगे नहीं, पर इनको चलित करने के लिए मुझे यहाँ पर भी उपद्रव करना पड़ेगा। उसने छोटे बच्चे का रूप धारण किया और हाथ में थोड़े औजार लेकर चल पड़ा गांव की तरफ। उसके हाथ में जो औजार थे वह सब के सब डाका डालने के लिए थे। उसको आरक्षक यानी उस समय की पुलिस ने पकड़ लिया। वह बच्चे के रूप में संगम देव छुपने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह छुप नहीं पाया। और उधर की आरक्षक पुलिस ने पूछा कि तू कौन है? बच्चे के रूप में संगम देव ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। बाहर मेरे आचार्य खड़े हैं, उन्होंने मुझे गांव में भेजा है कि तू देख कर आ किसके घर पर डाका डाल सकते हैं। उस पुलिस वाले ने कहा कि बता मुझे कि तेरा आचार्य कहाँ है। भगवान महावीर स्वामी कौशग में खड़े थे। बच्चे के रूप में संगम देव पुलिस वाले को लेकर प्रभु वीर के पास आया। प्रभु महावीर स्वामी के आजू बाजू में संगम देव ने पहले से ही अलग अलग हथियार जमा लिए थे। उनको देखकर आरक्षक को बहुत गुस्सा आया और वह उनको पकड़कर कूट कूट कर गांव में लेकर गया। आरक्षक प्रभु वीर को गांव के राजा सुमागत के पास लेकर गए। वो राजा भगवान महावीर स्वामी के पिताजी सिद्धार्थ के मित्र थे और उनको यह पता था कि भगवान ऐसा कभी नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। भगवान ने वहां से विहार किया और दूसरे गांव में गए। वहां भी उनको चलित करने के लिए संगम देव ने ऐसा ही खेल खेला। वहां के आरक्षक आए, लेकिन इस बार प्रभु महावीर को बचाने के लिए कोई नहीं था। वहां के राजा ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। फांसी का फंदा तैयार किया गया। 3 लोक के नाथ तीर्थंकर प्रभु महावीर के गले में फांसी की रस्सी डाली गई। जैसे ही फांसी की रस्सी उनके गले में आई और उनको फांसी देने के लिए रस्सी को ऊपर किया गया, वैसे ही वो रस्सी टूट गई। दूसरी बार और टाइट से रस्सी बांधी गई। रस्सी को ठीक से जांच करके देखा गया, फिर वापस कोशिश की गई, लेकिन इस बार फिर रस्सी टूट गई। भगवान का आयुष्य बहुत बलवान था। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 7 बार कोशिश की गई, लेकिन हर बार रस्सी टूट जाती। आरक्षकों को आश्चर्य हुआ कि यह सब क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, यह सब क्या चल रहा है। आरक्षक प्रभु को राजा के पास लेकर गए और ये जानकारी दी। फिर राजा ने कहा कि ये कोई दिव्य पुरुष लगते हैं, उन्हें छोड़ दो। ऐसे घोर उपसर्ग संगम देव ने भगवान महावीर पर किए थे। उस भव में एक तीर्थंकर आत्मा को भी
अगर फांसी पर लटकना पड़े तो हमारी उनके सामने क्या हैसियत है। ऐसे किए गए छोटे छोटे कर्म भी किसी को भी नहीं छोड़ते और ये इस बात का पक्का एग्जाम्पल है। इतना सब होने के बाद संगम देव अपने अवधि ज्ञान के प्रभाव से भगवान के मन के भाव जानने के प्रयास करते रहे, पर एक बार भी किसी भी प्रकार का कोई द्वेष भाव प्रभु के मन में नहीं आया। उनको पता था कि मुझे जो फल चाहिए वो मुझे ऐसे ही मिलेगा, जो कर्म किए हैं उनको भुगतना ही पड़ेगा और यह चीज पूरी दुनिया मान रही है। कर्मा हिट्स बैक। ऐसी ही रोचक कहानियां हम लाते रहेंगे, उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कोई बात कही हो तो मिच्छामी दुक्कड़म। जय जिन शासन, जय नेमिनाथ, जय जिनेन्द्र।